नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, वरुण धवन की फिल्म भेड़िया ने अपने 11वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है, और दोस्तों आज अपने 12वें दिन बॉक्स ऑफिस पर एक फिल्म कितना कलेक्शन कर सकती है, इसके बारे में आज का वीडियो है। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भेड़िया फिल्म का जो फर्स्ट वीक का कलेक्शन आया था वो 42.05 करोड़ रुपीज इंडिया नेट आया था, जिसे ठीक कहा जा सकता है इस संदर्भ में कि उसके सामने दृश्यम 2 चल रही थी। दृश्यम 2 की सुनामी के सामने फिल्म का ये कलेक्शन आना ठीक कहा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में फिल्म का जो सेकंड वीकेंड का कलेक्शन आया वो मात्र 10.07 करोड़ रुपीज का आया। वीकेंड मतलब शुक्र शनि और रविवार को मिला करके फिल्म का कलेक्शन करीब 10 करोड़ रुपए, आप मानिए 10.07 करोड़ रुपीज का कलेक्शन आया। दोस्तों, जहां तक 11th डे की बात करें यानी कि मंडे की बात करें, तो कल फिल्म के कलेक्शन में काफी बड़ा ड्रॉप देखा गया। करीब करीब दोस्तों काफी 50% से भी ज्यादा का ड्रॉप कल के कलेक्शन में इसका देखा गया, और कल फिल्म का कलेक्शन मात्र 1.60 करोड़ रुपीज आया, 1.60 करोड़ रुपए के आसपास रहे। अभी तक प्रोड्यूसर फिगर नहीं आया, कुछ आगे पीछे ही हो सकता है, लेकिन 1.60 करोड़ रुपीज आप मानिए तो काफी बड़ा ड्रॉप कलेक्शन में कल देखने को मिला है। तो दोस्तों, इस प्रकार जो प्रथम 11 दिनों का भेड़िया फिल्म का टोटल कलेक्शन हो जाता है 53.72 करोड़ रुपीज इंडिया नेट। इसमें से थोड़ा सा आगे पीछे इसमें भी हो सकता है, जैसे ही कलेक्शन में थोड़े से एक्यूरेट डाटा और आएंगे तो 10-20 लाख रुपए इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए करीब करीब 53.5 करोड़ रुपए से लेकर के 53.75 करोड़ रुपीज के आसपास इसका कलेक्शन प्रथम 11 दिनों का हो गया है। और दोस्तों, जहां तक आज की बात करें तो आज भी ये फिल्म है वो करीब करीब 1.5 करोड़ रुपए के आसपास कलेक्शन करेगी, 1.50 करोड़ के आसपास इसका प्रेडिक्शन आ रहा है। तो 1.40 करोड़ से 1.60 करोड़ के बिटवीन कहीं पर इस फिल्म का आज कलेक्शन रहने वाला है। तो लगभग इस फिल्म का कलेक्शन आप ये मान लीजिए कि 12 दिनों का 54.92 करोड़ से लेकर के 55.22 करोड़ रुपए के बीच में रहने वाला है। तो करीब करीब आप ये मान लीजिए कि 55 करोड़ रुपए के आसपास इसका कलेक्शन शुरुआती 12 दिनों का नेट कलेक्शन हो जाएगा। जहां तक इसके वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन की बात करें 11 दिनों की, तो ये हो गया करीब 72 करोड़ रुपीज। अब दोस्तों, अगर फिल्म का बजट 60 करोड़ रुपीज है तो डेफिनेटली ये फिल्म अपने बजट को तो कवर कर ही लेगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि 55 करोड़ फिल्म का ऑलरेडी हो गया है। और अभी 15 तारीख तक ये फिल्म थिएटर से जाने वाली नहीं है, क्योंकि 15 तारीख से पहले कोई बड़ी रिलीजेज अभी है नहीं सामने, तो डेफिनेटली ये फिल्म अपने बजट को जरूर कवर करेगी। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि 65 करोड़ रुपए के आसपास इसका 65 से 70 करोड़ रुपए के आसपास इसका कलेक्शन लाइफ टाइम नेट कलेक्शन जाने वाला है। तो इस प्रकार अगर फिल्म का बजट 60 करोड़ है तो डेफिनेटली इस फिल्म को एवरेज या सेमी हिट का दर्जा मिलेगा, और अगर अच्छा कलेक्शन कर लेती है तो फिल्म हिट भी हो सकती है। लेकिन कई जगह फिल्म का बजट 85 करोड़ रुपीज ही बताया गया है, तो ये तो मेकर्स को ही तय करना पड़ेगा कि फिल्म का एक्चुअल बजट कितना है। अगर 60 करोड़ बजट है तो फिल्म डेफिनेटली हिट भी हो सकती है, लेकिन एवरेज फिल्म का दर्जा तो इसको डेफिनेटली मिलने वाला है। फिलहाल इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।